नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करेंगे। 241 रुपये का शेयर है। कौन से लेवल पे बाइंग करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे बात करेंगे यहाँ पे। अगर दोस्तों यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। और दोस्तों बता दें, यहाँ पे फंडामेंटली आप देखें शेयर का तो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे शेयर का प्राइस इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि आप इसमें कुछ इन्वेस्ट करके रखें तो, और शॉर्ट टर्म में लगभग 3 से 6 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। इससे पहले भी हम अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, उस पर आप नज़र डाल लीजिए। 1 ईयर के रिटर्न आप देखें तो इसके अंदर माइनस रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, वो भी 6% है, ज़्यादा नहीं है। मतलब जिन लोगों ने पिछले साल बाइंग किया था, आज अगर आप यहाँ बाइंग करते हैं तो आप एक लेवल पर अच्छे से लेवल के पहुँच सकते हैं। 89,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप के हिसाब से, तो यहाँ पर ठीक ठाक लेवल पर कंपनी देखने को मिल रही है। जहाँ पे अगर बात करें फंडामेंटली, जो कि गुड कंपनी का क्वालिटी करके गुड कंपनी है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और फाइनेंशियल ट्रेड भी यहाँ पे थोड़ा वेरी नेगेटिव देखने को मिल रही है, तो इसको लेके शेयर के अंदर तेज़ी नहीं देखने को मिलती है। पी देखें तो नॉर्मल 10 पॉइंट के साथ बनता है। साथ ही अगर डिविडेंड देखें इस कंपनी का, तो डिविडेंड 29 पॉइंट्स के साथ डिविडेंड देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। दोस्तों, ऐसी कंपनी को आपको हमेशा अपने डिविडेंड पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। पोर्टफोलियो का ये सबसे बेस्ट शेयर होने वाला है, बिकॉज 29% के डिविडेंड ऐसी कोई कंपनी अभी तक मैंने नहीं देखी है जो कि इतने परसेंट के डिविडेंड देती हो, और आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना बनता है। दोस्तों, प्रमोटर्स की बात करें, 68% की होल्डिंग है, FIIs की 7% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की नाम मात्र है, पब्लिक के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो 14% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी ने 9% की होल्डिंग देखने को मिलती है। अगर बात करें दोस्तों ओवरव्यू यहाँ पर, अगर अब चार्ट पैटर्न के हिसाब से कि लेवल हमारे पे कौन से होते हैं जहाँ पे हम बाइंग करके अच्छे प्रॉफिट ले सकते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं शेयर का प्राइस ऑलरेडी काफ़ी टाइम से गिर रहा है, जो कि अगर अगस्त महीने से देखें तो 280 रुपये का शेयर था, आज 240 रुपये पे आ गया है। देन उससे पहले भी शेयर का प्राइस जो है 300 को टच करके आया है, तो काफ़ी नीचे का शेयर अभी आ चुका है। तो आप एक लेवल पर बाइंग कर सकते हैं, जिसको आज अगर शेयर की प्राइस में बढ़ोतरी देखें तो ये 233-232 को टच करके आज 240 के ऊपर 42 के ऊपर टच कर रहा है, तो कुछ अच्छी बात होगी। जब यहाँ पे शेयर का प्राइस वापस से लेवल पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सबसे अच्छी बात तो इसका डिविडेंड जो देने का तरीका है 29 पॉइंट्स का परसेंटेज का, तो काफ़ी अच्छा है। उसको लेके मैं कहूँगा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।